हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अगले दिन दोनों ही मुंबई के लिए निकल गए, इस बात से अनजान की मुंबई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतज़ार कर रहा है। तय समय पर दोनों वापस मुंबई पहुंच गए थे। उन दोनों ने कश्मीर में बहुत मस्ती की थी और जब घर में आए तो अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर अनन्या और वीर हैरान के साथ साथ बहुत खुश हुए और उनकी खुशी तब डबल हो गई जब उन्हें पता चला कि उसके घर वाले हमेशा हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए हैं और उनके बगल में ही एक बंगला भी खरीद लिया है। अब अनन्या और मिताली के घर वाले एक साथ एक ही घर में रहने लगे थे। रेहान ने अपना ट्रांसफर मुंबई में करवा लिया था। उन सब के आ जाने से सभी बहुत खुश थे। वीर ने पहले ही अपॉइंटमेंट ली और उसे दिखाने चला गया। उसके कुछ टेस्ट हुए और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तब जाकर उसे तसल्ली हुई। समय बीतने लगा। उनके घर के एक तरफ को जो बंगला था, उनके गार्डन में एक आम का बड़ा सा पेड़ था। अनन्या का जब भी मन करता चुपचाप से वहाँ जाती और आम तोड़कर ले आती। वीर को जब पता चलता तो वो बहुत गुस्सा होता। वो हमेशा बोलता, उनसे मांग कर ले लो, ऐसे चोरी छिपे जाकर तोड़ना गलत बात होती है। तो वो हमेशा ही कहती, जो मज़ा चुपचाप से तोड़कर खाने में है वो मज़ा मांग कर खाने में नहीं है, समझे तुम। उसके इस तरह बोलने पर वीर का सारा गुस्सा गुम हो जाता है और वो अपनी तरफ से पनिशमेंट भी देता, वो भी अपने प्यार की पनिशमेंट। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अनन्या की भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रूहानी रखा गया। मिताली की बेटी भी अब बड़ी होने लगी थी। समय किसी के रोके नहीं रुकता है। बीच बीच में वीर अनन्या का चेकअप करवा लेता था ताकि कोई रिस्क ना हो। मिताली दोबारा प्रेग्नेंट हुई और उसके 3 महीने बाद ही अनन्या के प्रेग्नेंट होने की खबर आई, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हुए। वीर और विक्की अपनी अपनी वालियों का बहुत ध्यान रखते थे। मिताली और अनन्या के घर वाले भी उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन दोनों दोस्त ऑफिस के बाद बाहर कॉफ़ी पीने एक कैफ़े में बैठे थे, तभी वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी अपने पति के साथ आई। विक्की उसे देखते हुए वीर से बोला, यार कुछ दिनों में हमारी वालियों का भी यही हाल होगा ना। वीर उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्या मतलब। विक्की उसे उस लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस लेडी की तरह। वीर ने एक नज़र उस लेडी को देखा, फिर विक्की के चपेट लगाते हुए बोला, ओए शर्म कर, अपनी वाली पर ध्यान दे, दूसरी वाली पर ना दे, समझा। विक्की मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ तो अपनी वाली पर ही ध्यान दे रहा हूँ, कोई पड़ोस वाली पर तो नहीं दे रहा था। वीर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, हाँ हाँ जिसे तू देख रहा है वो तो जैसे तेरी वाली है ना। विक्की कहता है, हाँ भले ही वो मेरी वाली ना हो पर कंडीशन तो हमारी वालियों जैसी ही है ना। विक्की ने कहा तो वीर खोते हुए कहता है, हाँ यार बात तो तेरी एकदम सही है। ऐसे ही बातें करते करते उन्होंने कॉफ़ी पी और अपने घर को चले आए। धीरे धीरे समय बीता और मिताली की डिलीवरी की डेट नज़दीक आ गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। थोड़ी ही देर में पूरे हॉस्पिटल में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजने लगी। नर्स बाहर आई और विक्की से बोली, मुबारक हो सर, आप फादर बन गए हैं। विक्की उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा सिस्टर, मैं फादर तो पहले से ही था, ये बोलिए कि मैं दोबारा फादर बन गया। ओ सॉरी सर, आप दोबारा फादर बन गए हैं, आपके घर एक छोटा सा बेबी बॉय आया है, नर्स ने कहा और उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गए। अनन्या और अनन्या की भाभी घर पर ही थी। वीर ने अनन्या को फ़ोन करके गुड न्यूज़ दी थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, दोनों ही बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद मिताली और उसके छोटे विक्की को लेकर घर आ गए। अनन्या छोटे विक्की को देखकर बहुत खुश हुई। जब नामकरण किया गया तब उनके बेटे का नाम सोहम रखा गया। सभी को यह नाम बहुत पसंद आया। सोहम के आने की खुशी में पार्टी दी गई जिसमें सब ने बहुत इंजॉय किया। कुछ महीनों बाद अनन्या की डिलीवरी डेट नज़दीक आ गई। एक दिन वीर और अनन्या के अलावा घर पर कोई नहीं था।
अचानक से अनन्या को लेवर पेन शुरू हो गया और वीर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गया। उसने रास्ते में सभी को कॉल कर दिया था और सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। अनन्या को एडमिट कर दिया गया था। वीर को घबराहट हो रही थी, वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी बाकी सभी भी वहाँ आ गए और उसे हिम्मत देने लगे और वीर बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे इस तरह बेचैन देख सभी को टेंशन हो रही थी। विक्की उसे ऐसे मंडराते हुए देखकर कहता है, यार ये यहाँ से वहाँ फुदकना बंद कर, सब ठीक होगा। वीर घबराते हुए कहता है, यार टेंशन हो रही है, पता नहीं कितना दर्द हो रहा होगा उसे। विक्की उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत कर, मुझे देख, मेरे तो दो दो बच्चे हैं और तुझे पता है मुझे तो खुशी हो रही है कि तू भी मेरी कैटेगरी में आ गया। वीर उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। अभी वो कुछ और बोलता तभी बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर आ गई थी। तभी 5 मिनट बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में सिस्टर बाहर आई और वीर को मुबारकबाद देती हुई कहती है, मुबारक हो, आप फादर बन गए हैं, दो दो नन्हे मेहमान आए हैं घर में। वीर हकलाते हुए कहता है, मतलब? तो वह नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब भाई बहन आए हैं, जुड़वा बच्चे प्रकट हुए हैं। ये सुनकर सभी की खुशी दुगनी हो गई। वीर ने सिस्टर से पूछा, सिस्टर वो मेरी वाइफ? सिस्टर मुस्कुराते हुए कहती है, शी इज़ फाइन, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो खुशियाँ मनाइए, डबल खुशी की। ये सुनकर विक्की के मुँह से एकदम से निकला, ओ तेरी, तुम दोनों ने ही डबल सिक्सर ही मार दिया। विक्की की बात सुनकर सभी उसे घूरने लगे। तब उसे होश आया कि वो क्या बकरा है। विक्की घबराते हुए कहता है, वो क्या है ना, एक्साइटमेंट में निकल गया। बाकी कोई उसे कुछ और बोलता उससे पहले ही दो नर्स हाथ में दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई और वीर की गोद में देते हुए बोली, ये रहे आपके छोटे छोटे बच्चे। वीर उन्हें गोदी में लेकर भावुक हो गया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बच्चे एकदम दूध की तरह सफ़ेद थे, एकदम रुई के फाहे की तरह छोटे छोटे मुलायम थे। दोनों की आंखें एकदम वीर की तरह ही थी। जब वीर ने उन्हें गोदी में लिया तो दोनों ने ही एक प्यारी सी स्माइल दी जिससे उनके गालों पर छोटे छोटे डिम्पल पड़े। उन्हें देखकर वीर के मुँह से निकला, सो क्यूट स्माइल, बिल्कुल अनन्या पर गई है। सभी ने बारी बारी से उन बच्चों को गोदी में उठाया, सभी बहुत खुश थे। वीर अनन्या के पास गया और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, इतने प्यारे से छोटे छोटे तोहफे देने के लिए। अनन्या उसकी बात पे स्माइल कर देती है। शाम को अनन्या और दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। घर के बाकी बच्चे भी दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब उन सबके लिए तीन तीन छोटे छोटे खिलौने हो गए थे। दोनों बच्चों का नामकरण किया गया। बेटी का नाम वीर के नाम पर रखा गया विरूषी और बेटे का नाम अनन्या के नाम पर रखा गया आनंद। तो इस तरीके से दोनों बच्चों का नामकरण किया गया। बच्चों के होने की खुशी में घर में पार्टी की गई। घर में अब सभी खुश थे। तो इस तरीके से अनन्या और वीर अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे और अपने पिछले जन्म के विराट और आरोही अपने इस जन्म में खुशी खुशी अपना समय बिताने लगे जो कि उस जन्म में उनका अधूरा रह गया था। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत जल्द एक नई कहानी भी आने वाली है। जैसे आपने इस कहानी को प्यार दिया, आई होप कि आप लोग उस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वाली स्टोरी कैसी लगी। बाय दोस्तों।